महाराज की जय। ये प्रोग्राम मैं अल्फा कंपनी के माध्यम से ये किस्सा देव महाराज का नानाई राज से वापिस लौटने का आपकी सेवा में प्रवेश कर रहा हूं। बताते हैं कि बाठनी और उनके पुत्र वो छोचू भाट दोनों जाते हैं और सप्रा नदी के किनारे जाकर वो विश्राम कर लेते। अरे बहुत अच्छे भाई विश्राम। जब रात्रि के समय वो निद्रा में सो रहे थे और देव महाराज को इस बात का पता चलता है तो काला गोरा बहनों को भेज देते हैं और उनको रात्रि में सूता हुआ उठा करके वो नदी से पार कर दूसरा किनारा पर अरे सुला देते हैं। अरे बहुत अच्छे। वहाँ जब सवेरा होता है और बाठनी उठ करके नजर पसार कर देखती है, मन में सोचती है कि हम कहाँ सोए थे और कहाँ आ गए। वो घबरा रही थी, देव से कह रही थी, हे देव बाहट से हे बात, हम कहाँ आ गए और कहाँ विश्राम किया। अरे बहुत अच्छे। बाठ जी अपनी माता को घबराती हुई देख करके समझाता है और खोल खोल कर ये बताता है तो कैसे बता रहा था। अरे बहुत अच्छे। अरे बहुत अच्छे राम का। बोझ की शादी में वाचे लबरात आयो थो बोझ की शादी में वाचे लबरात आयो थो बोझ की शादी लबरात आयो थो जेनाड़े खुद माता को बरम मिटावे छो बरात आयो छो बरात आयो छो। अरे मन अपना बाला जो कर करके विश्वास रब दुआ बाट जी बैठो करियो छो खुद माता के पास कैसे कर बाटे अजमास जब में बोझ की शादी में आयो छोर गूंजे छोया दिन खम्भे आकाश। अरे खोल खोल कर सगड़ो जैन दिन बेहदब तायो छो अरे मीठा सुरसी सपरा नदी का किनारा पर बीणा देख बजायो थो बताऊं सात र सांस के दुनिया में माता नहीं लगे थे आँच कैसे के बाला जो आप अपना मन के मायन वा नहीं करे छो पाप। अरवा बोझ सी छोटो ने वो जी मैंने गूठो देख दिखाओ कर दे खचिड़ावे छो बात बढ़िया देख वेरियो गानू रही दुनिया के माए मेल मिलावे सुन ले पानी दानू
कैसे बढ़िया आनंद आशीर भागी रथिया मामू जी लेट जो आते सुंदरपुर को बासी अरे नई नई तरजाम कैसे भजन बनायो तो अरे बड़ी खुशी की वारताया वेरी जय जय कारण तीन लोक को नाथ मालिक कर तो बेड़ा पारे अरे जग में तो ईश्वर की सो सुन ले लीला परम पारे अरे सतगुरु मिलो हरि राम पूरो ज्ञान बतायो तो हे माता जिस दिन मैं बोझ की शादी में आया था मैंने यहाँ का ये बहुत ही सुंदर सुंदर स्थान यहाँ का ये जंगल और बहुत ही रमणीय स्थान देख देख करके अपने मन में खुशी और बहुत अच्छे रहे। आज हम उसी स्थान पर आ चुके हैं जहाँ मीठा मालवा के अंदर देव जी निवास करते हैं उसके निकटवर्ती आ चुके हैं। अरे बहुत अच्छे। आप घबराओ मत, यहाँ से कुछ ही दूर पर वो देव महाराज निवास करते हैं और अपनी लीला को फैला फैला करके भक्तों का मन फैलाते। जब दोनों माँ बेटो वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वो सुरेतावली गऊ उस बाट को देख देख करके चौकरदा नजर पसार रही थी और जब सोचू बाट उन गऊ को देख करके मन में खुशी मनाता है और वहाँ एक दृश्य दिखाता है तो कैसे दिखा रहा है देखो बन की ठंडी छाया न चलो गो जेड़े छो तू बातर गऊ चरती डोल रही चीर चो फेरा ने नदी को साफ देख ले पाटे और ऐसी बात में राम जाने झूठी नहीं मिलेंगी डाटे अर ऊंडी नीवे बाछड़ा भी खेलता डोले साजन की देख माया करे था अपनी देख माया तो
बजावे बीना रज के भर भर आवे रोज याद आ गयो बाट के तब सरे सवाई हारे के बीती थे ठादर कहीं आये सू क्या माता थारी देई का आदे हर नमन करे थे मतवाला का दे क्या था बाजार यो तो सुन छो चूको बात बोलो बात बता जा शाणीर असा लोगा सको मिले नार खारो यम जीवा सा पाई और जबी सुखा दी बाट बाबा दे अब जावा दर्शन पावा आनंद खिलेंगा के थे ऊंडे देखांगा गन श्याम अरे बहुत जोर को काम बतायो ऊंचा काया सोच विचार करता है कि आज इन श्रेय तावली गांव का मैंने बहुत दिनों के बाद दर्शन पाया जिनको देख देख करके बाट जी सोच रहा था कि गांव का दर्शन करने से तो सुखी होता हूं और इनका रंग रूप इनका हाल चाल देख करके आत्मा दुखी होता। अरे बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। कह रहा था उन गौ माताओं से हे मातेश्री ये बताओ आपका ऐसा ढंग कैसे हो रहा है। वो बता रही थी बाट को पहचान करके अरे भाई हे बाट जी हम यहाँ रह करके सूखी शिमली घास खाती हैं
और बड़े दुख के साथ अपना जीवन बिता दी और खारा पानी पीती है। अरे बहुत अच्छा। खारा पानी पी पी करके हम अपने शरीर को सुखा डाला। अरे बहुत अच्छा। क्या करें, आपद में पड़ करके इस समय को व्यतीत करना पड़ रहा। बाहर जी उन गांवों को देख देख करके और उनकी वातावरण सुन सुन करके अपने मन में सोच विचार करता है तो कैसे सोच रहा था। जागा न देख नखरा हो सोच बात कह रहा था मन अपने के अंदर कि देव ये तेरा नखरा मेरे पसंद नहीं आता है, तू यहाँ रह करके इन श्वेतावलियों को इन गौ माताओं का ख्याल भी नहीं करता है जो यहाँ रह करके बड़े दुख के साथ अपना जीवन बदल बाहर तोड़ दो। भठियारी तोड़ी चलते चलते जब कुशी मीठा मारवा में जाते हैं आता हुआ हाथ और भठियारी को देख करके और साधु माता मन में सोचते कि आज कड़ेगारी का हाथ फिर आ चुका है। हाथ और भठियारी को देख करके जब साधु माता अपना मुंह मोड़ती है और उसी टाइम एक देलू को अपना दुख याद आता है रे के आज का देने से साधु मुंह फेरते है तो एक देलू भठियारी साधु जी को क्या कहती है। मतवाड़ा का तू थोड़ा ठिकाना देख जल में ऐसो आगो रो जर याद आ गयो जेलू जी के सरे सवाई भोज अर धरती माले को दीख ना मतवाला को जर शिर मतक पर आज खेच अशो बणु भोज अर नमन करू छु साधु थानी साहरी वो बहाना मन कर ची मैं भी था सारी तो अरे उसी टेम
आयनेवा मन की बात बताई साडू माता से जा करया बाठनी जब खोल करया बतलाई बहुत अच्छे भाई ऐसे सही बतावे बात र तू तेरा पीर में आ करया ने सुखी करा था गात अरे याद को कराना गेल का ठोड़ ठिकाना साडू जी गेल का ठोड़ ठिकाना अन्याय रे सूखी शिमली घास देख ले तकी खावे गाय ओ गोती बैठो अरे बापे जानो रंग बदल गो वही राय के बाए अरे बात बतावे चोड़े दाड़े के थे या के कर दीनू से वो मैं बिराना के गाया की जब राम जान कुमला शान अरे दुनिया के मायने कथे लाग गई थे बात तो देख ठिकाना माता साडू से कह रही थी ये माता साडू आप तो जिस दिन उस भोज को जलता हुआ छोड़ करके आ गई थी और वो जितनी भी उन बगड़ाओ तू के औरतियों सब की सब अपने अपने पतियों के साथ में सती आप अपने पीर में आकर के ऐश और आनंद भोगती हो और उस पिछला ठोड़ ठिकाना की कोई परवाह नहीं करती। जब माता साडू मन में विचार कर रही थी कि ये कलियाराव बाट आ गया जिसने वहां पहले भी घोर संग्राम करवा दिया था और आज इस छोटा सा बच्चा को भी ये वहां ले जाना मरवा देगी ये मेरे वंश का दीपक बुझाना चाहती है। मन के अंदर ऐसे माता साडू ने विचार बना दिया। उधर जब माता साडू दो कांसा परोसती है एक में जहर मिला देती है और एक अमृतमय रहता है दोनों को भोजन के लिए बुला लेती है। जब वो दोनों भोजन के लिए बैठ जाते हैं देव महाराज मन में विचार करते हैं कि इस एक कांसा के अंदर तो जहर है और एक अमृतमय है। सोचु बहाट कह रहा था कि हे देव जी आप कांसा बदल लो क्योंकि मैं पहले कांसा बदल करके भोजन जीमता था जब सवाई भोज के साथ खाना खाता था। वो दोनों कांसा बदल करके जब भोजन जीमते हैं उधर माता साडू बैठी बैठी मन में विचार करती है कि जो जहर का कांसा था वो देव के पास गया और जो अमृतमय
कहां सा था वो बाटी फंस गया। जब मन ही मन में साधु माता घबरा रही थी और उधर वो दोनों भोजन जीमते हैं तो कैसे जीम रहे। सत्यवासी जी तारे आजा जी मैं पर जार रूंडी ने वा माता का सो गाल दियो रवा देव जी की मन में कैसे जय जयकार। अरे उलट फेर नहीं देख करिया नी सोच लीलाया परम पार। अर जान गई ची साधु माता जेर को का सो देव ले लियो दसा लाग की खोट खटाना की ऊंची अच्छे कोठे आया जाया जा सो पलट कर खाया था जब मैं और देख सवाई बोझे। और अण बाता के मायनी के थे धर्म को देख बतायो बोझे। और उसी टेम के मायनी कैसे माता साधु जानगी अब तो पाड़ दी जमाती है और जो बाट के लिए कांसा परोसा था उसको देव जी खा जाते हैं और देव जी के लिए परोसा था उसको बाट खा जाता है। बाट ने कह दिया था कि देव जी हम उलट फेर करके खाते थे जब भोजन जीमते थे मैं सरे सवाई बहुत ये कांसा मेरा वीर जीम करके भोजन और वो दूधी नीमड़ के नीचे जाकर के सो जाते हैं और माता साधु रात्रि को बरबर में जा जाकर के उनको सूता वहां को देख देख करके आती है मन में सोचती है तो कैसी सोच रही है क्या करना देखा। Oh,
महाराज की भाट और भाटनी दो जी आपस में मिलते हैं और उसकी माता देलू बैठियाणी जाती है, देव और साधु जहाँ बैठे रहते हैं जाकर के एक देव को खोल करके बताती है, तो किस प्रकार बता रहे देखो तेरो मालवा को बासरुण सतरा को नेखारी में देखवयो सो नास अर देव दनी तिर लोकी तेरो पूरो छे बसवासर आजा आजा देवर बातनी बोली बराहू पला सास अर गद बद नोरे छोरा तारो देस बतायो रे सवाई बोझ तो वा ठाडो सो दातार रखुन ते सुबाया की डोल चीरक चीरना की सीधारे अर देख धर्म को बाईर राणा ने जाया देख विवार बचन बरा था रानी सिर जाया किनक महल सीतारे अर राणा जी की जाकर के रानी लायो रे राणा जी की रानी लायो रे अरीब आम बो फाजी कैसे खोल रान बतावे बैठो बैठो सुर ज्ञानी भी अतरो चाव चढ़ावे कैसे बात बता जा शाही उनको दोष नहीं राणा की हुई लाया था रानी अरे सुर ज्ञानी रखसाना के जब चावत जायो रे नारायण साना के अब चावत जायो रे साडू सी करी बहातर बारह साल सी नाजी क्या मरो दुख पाओ सो गाते अर बिना देवके साडू जी मर दिन की होगी रातर कई दिन में दी तो सोया तीन लोक को नाते अर छोटा सा नी देव जी ने दूध गायो रे नारायण Oh,
کر جو سو تب تار رکتنی کچھ کر گاریو تاماشی رامو تارے ار بگڑا وطوار تمہیں کلتو صحیح بتایو سار رسط گر اری رام بو پاجی زنکا سرنا کو اجکارے ار ست گر واسی سڑ جائیں جی میں جان پایو رے گارا یو گرن میں گرے मालवा के अंदर रह रह करके अपना पिछड़ा वातावरण को अरे मेरी जान खोजमणिया सा देखा जब बहाड़ जी का सुंदर वो सोना बना शरीर देख देख करके खुशी हो रहा था उस चुभाट अच्छा। और एक देव महाराज को वो पिछला वृतांत बताता है तो कैसे تو نارائن لایا پیاز فریج کو ٹھنڈو پیوے سو پائے جگ میں کھول کر بات کیسے دیو جی کی بھی کیسے باتاں کو دیکھ درے سو دھیان روا خود جانے سویا خود تو اتر آو بھگوان ار کیسے جانے سو من میں آج نات جی نہ رانی جن کو مٹا دیو تھو ار تو بھی
ਆਣ ਜਾ ਰੇ ਬਦਨੋ ਰਾਮ ਐਸ ਕਰੇ ਸੋ ਸਵੇ ਸਵਾਈ ਬੋਦ ਅਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੀਏ ਬਾਤ ਕੋ ਆਗੇ ਦੇ ਫੇਰ ਗੀ ਕੂਣ ਬਾਪ ਪਾਹਣੇ ਮਾਸੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਅਬ ਦੇਖ ਲੇ ਮਾਮੂ ਕਰਜੋ ਥੇ ਆਰਾਮ ਅਰਜੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੇਟ ਲਗਾਰੋ ਬਾਈ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਅਰ ਅਣ ਕੀ ਖਾਤਰ ਉਖੋ ਪਰ ਲੇਰ ਕਲੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਹਣ ਪੂਰਵਜ ਆਪਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਤੇਜ ਭਾਈ ਉਹ ਗੱਡ ਬਦਨੋਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨਕਾ ਸ਼ਾਸਨ ਥਾ ਜਿਨਕੀ ਫੂਕ ਸੇ ਘਾਸ ਬਲਤੀ ਥੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਮਹਿਲ ਸੇ ਰਾਣਾ ਕੀ ਰਾਣੀ ਕੋ ਉਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਉਸੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਨਕਾ ਪਾਟਾ ਕੋ ਸਾਫ ਕਿਆ ਥਾ ਜਿਸਕੇ ਕਾਰਨ ਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਾਨੇਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਤੇ ਹੈ इस प्रकार से छोचू भाट और देव महाराज बताते एक दिन जाकर के उदा देव सुनते ही कहीं नाराज हो जाता है कि अब मैं जाऊंगा और मेरी बापोती का बास बासूंगा। जाकर के देव महाराज निंद्रा के अंदर सो जाता है। साधु माता सहित सारे के सारे जगाने के लिए और मंगाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
उसी टाइम देव नहीं जागता है तो उसकी नानी मामी जाती है और जाकर के एक देव का जगावना करती है तो कैसे कर रही या उदा देव जिन तार सदा जाई रे Oh, my God.
शुरू कर देती, लेकिन देव किसी भी प्रकार नहीं मानता है। लेकर के अपनी गाय और ग्वाल सबको चलता है और चलता चलता वो धारा नगरी के समीप आ जाता है, जहाँ धारा नगरी में जगदेव पवार की लड़की से उसकी शादी होती है और वहाँ जाकर एक शमशान घाट के ऊपर अपनी चादर बिछा करके देव जी सो जाता है। देव महाराज जाकर के सोता है और वही पीपल दे आकर के एक जगाना करती है, तो किस प्रकार कर रही थी। सो गोरे उदा देव नखड़ावे थारो मारो जोड़ो डडम रामे कैया सो गोरे उदा देव नखड़ावे थारो मारो जोड़ो डडम रामे कैया सो गोरे उदा देव नखड़ावे थारो मारो जोड़ो डडम रामे मथरा में मथरा में कैया सो
गयो थे तोले और असी बात में करवा जागो न